ललितपुर जिला। ये जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा हो तो वो है ललितपुर जिला। इन सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वो है पानी की कमी। बहुत हैरत की बात ये है कि भारत के सबसे ज्यादा बांध इसी क्षेत्र में निर्मित हैं। इस समस्या से जुड़ा सबसे कड़वा सच है इस क्षेत्र के किसानों की आत्महत्या और उनका पलायन। इन परेशानियों को सुलझाने के लिए और गांव की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए टाटा ट्रस्ट और कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने मिलकर एक परियोजना की घोषणा की, संजीवनी। पिछले कुछ सालों से बारिश ना होने के कारण यहाँ के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। जो थोड़ी सी बारिश होती थी उसका सारा पानी बह जाता था। तालाब तो साफ बहुत पुराना है, हमारी जिंदगी तो बाद में बनी हुई है। ये तो बहुत राजा शाही जमाने का है। ये तालाब छोटा इसलिए हो गया कि जमीन बह बह के आती थी तो पड़ गया था, इसलिए कम हो गया था। अभी 2 साल से बारिश बिल्कुल हुई नहीं, पानी नहीं थी मवेशी के पीवे तो पानी नहीं था। लोगों के दैनिक जीवन और खेती पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। जानवरों के देखभाल के लिए भी पानी नहीं था। हमारा नाम चंद्रानी और गांव को नाम ठनगना। परेशानी है पानी की, हेट पंप एक लगो वही बिगड़ जात तो पानी की मुसीबत हो रही, जमीन नहीं हो रही बारिश के पानी को संरक्षण करने के लिए लोगों के पास और कोई साधन नहीं बचा। तालाबों में मिट्टी भर गई थी और उनके बांध टूटने के कारण बारिश का सारा पानी बह जाता था। पिछले 4 साल से यहाँ बारिश नहीं हुई, जमीन में पानी था ही नहीं। हमारे वहाँ यानी साल भर के का एक महीना के लाने खाने के लिए नहीं था, ऐसी स्थिति हुई थी। मजबूरी मजदूरी कर जाना पड़ी हमें यहाँ से, क्या यहाँ कोई काम ही नहीं था और ना किसी के पास इतनी बात है कि वो काम दे सके। पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र के अंदर करीबन 3,000 किसानों ने आत्महत्या की और कई किसान काम की खोज में गांव छोड़कर शहर चले गए। गांव का जीवन एक स्थिर स्थिति पे आ गया था। इन परेशानियों को समझते हुए टाटा ट्रस्ट और कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने मिलकर एक परियोजना का निर्माण किया जिससे अगले बारिश के आने से पहले एक ऐसा उपाय सोचा गया जो किसानों के जीवन में एक नई उम्मीद पैदा कर सके। ऐसे गांव में जहाँ पर पानी का कोई रास्ता नहीं है, बरसात का पानी बचाने के बाद ही जिंदगी बच सकती है, तो इन 2 गांव में बड़े तालाब बनने से भी इस एरिया का वाटर लेवल ऊंचा होगा और वहाँ के हैंडपम्प कुओं में पानी आ जाएगा, खेत का पानी खेत में भी रुकेगा और कृषि आधारित जो आजीविका है इसके सफल प्रयास इस इलाके में दिखाई देंगे। Complete desilting of these vast structures in a short span of time, and that could have been possible only by using large amount of machinery. However, we chose to involve the local community and provide them a source of income during this dry spell, which will help them not to migrate into other regions. इस परियोजना के माध्यम से 6 तालाबों से गाद निकाली गई और उनके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। इस कार्य के दौरान हर तालाब से लगभग 6 से 7 फीट की मिट्टी निकाली गई जिससे तकरीबन 3,000 एकड़ जमीन को लाभ हुआ। आज हमने आप जो देख रहे हैं, हमने जो हम लोगों ने जो काम किया पिछले अभी 1 महीना हुआ इसको, इसमें कुछ कमियां भी थी तालाब में, टेक्निकल प्रॉब्लम भी थे, कुछ फॉल्ट थे, उनको हम लोगों ने पूरा फुलफिल किया।
जो भी इसमें हमारा सीपेज प्रॉब्लम था या बिस्कस्ट स्पिलवे कहीं कहीं टूटा हुआ था, पूरा रिनोवेशन किया उसका। इस तालाब से जो पानी इसमें स्टोर होगा उससे यहाँ से डाउन स्ट्रीम साइड में लगभग 4 गांव पड़ते हैं, उसका 2125 एकड़ ज़मीन सिंचित होनी है। इस तालाब से फ्यूचर में जो कि अभी जैसे लोग में 2 फसल लेते थे या कहीं कहीं लोग एक ही फसल ले पाते थे, उससे अब ऐसा होगा कि जो हमारे इसके डाउन स्ट्रीम साइड में जो भी खेत पड़ेंगे ये 12 महीने इसमें लोग सब्जियां, फल और अपने बाड़ी और फसल हम 3 से 4 फसल तक ले पाएंगे लोग। अब उसमें जगह हो गई, खुदाई हो गई, पानी उसमें भर जाएगा, है नहीं, अब वो निकलेगा नहीं, हमको लाभ होगा, हमारे कुआँ भरे रहेंगे, खेती को हमको पानी मिल जाएगा और यही फायदा है हम लोगों को, हमारे मवेशी लोग पिएंगे पानी, हर बात की व्यवस्था बनेगी हमारी, पानी से तो सब कुछ हो सकता है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। ये तो एक गांव की एक कमेटी का निर्माण किया गया और कमेटी से हम लोगों ने जानकारी उपलब्ध करी कि कितनी डिसिल्टिंग करी जा सकती है, पानी के साथ में मिट्टी किस तरीके से बहके कितनी आती है और कहाँ कहाँ पे कितना रुकती है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिजाइन कराया। We thought why not to do something for the people of this locality so that the achievement can be made for a long term basis, not we should not do any short term things. गांव वालों के सहयोग से इस पूरे कार्य को 3 महीनों के अंदर संपूर्ण किया गया। कुछ परित्यक्त खदानों में भी तालाबों का निर्माण किया गया और इन तालाबों से निकला पत्थर गांव के आधारिक संरचना में काम आ सका। इस परियोजना के माध्यम से 6 सूखे तालाबों से गाद निकाली गई और उनके पुनर्निर्माण का काम शुरू किया गया। पिछले वर्षों के विपरीत इस वर्ष यहां अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस साल करीबन 840 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण इन तालाबों में 35 लाख क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित हो पाया। इस कार्यक्रम के दौरान करीबन 800 परिवारों को सीधा फायदा हुआ, 500 कुओं में पानी भर गया और 42 हैंडपंप्स फिर से संचालित हो गए। करीबन 2500 एकड़ जमीन पर सीधा सीधा असर पड़ा। कई समुदाय बिना किसी श्रम मूल्य के बारे में सोचे इस कार्य में योगदान देने आगे बढ़े। करीबन 45% कार्य का बोझ उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। जो 2015 से जो पावर प्लांट के तरफ से साहब लोग जुड़े, इससे हमें बहुत मदद मिली है, सब्जी वगैरह में पानी वानी के, जैसे तालाब मालाब डर गए जी, जिसे हम बटा लेकर जमीन को बढ़ गया और पानी की मात्रा हमें मिल गई, हमारे कुआं में पानी आ गया, अब हम लोग सब्जी वब्जी का काम करने लगे। इस नाले में पानी रुकता था तो नाला पूरा लबालब भरा हुआ है और इससे अच्छे इंजन चल रहा है, सिंचाई हो रही, दनादन किसान किसानी कर रहा। किसान बड़ा खुश है, उसको अंदर से एक बड़ा आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि उसको ये विश्वास हुआ है कि अब तो ये आने वाला जो साल है तो मुझे कोई कठिनाई नहीं आनी, मैं अपना जीवन आराम से निकाल सकता हूँ। दिस वॉज ओनली अ डेमोन्स्ट्रेशन टू शोकेस
how creating these community ponds can help in successful livelihoods for the local communities. Going forward, this can be scalable and sustainable only when these communities can come forward and start, create and own these projects. टाटा ट्रस्ट वालों ने, बजाज वालों ने जो कहने से इतना अच्छा काम किया है कि वो किसानों को लाभदायक है। जब हर चीज़ की सुविधा मिल जाए सब लगन से काम करेंगे और मेहनत करेंगे, और जो तालाब वगैरह हैं जो उनके काम करवाते हैं उनमें जुड़ जाते हैं। अब एक समूह तौर से हम लोगों का काम चल रहा है, इसमें एकता का प्रतीक होता है, और सब लोग मिलकर काम करते हैं तो उसमें और खुशी होती है और फायदा भी होती है उसमें।